नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बिल्कुल है, फिर वो जो भी हो उस टाइम सहायक आयुक्त, मैं इसी म्यूनिसिपैलिटी की सदस्य हूँ, लेकिन जो गलत है वो गलत है, ये बोलने में मैं जरा भी हिचकिचाऊंगी नहीं। इतनी तादाद में और कोई भी बिल्डिंग या कोई भी चाल एक रातों रात तो खड़ी नहीं रहती, कई दिन से ये काम चल रहा है, तो क्या सबने आंखें बंद करके रखी है? अब सारे प्रशासन का मैं निषेध करती हूँ। दोस्तों, पिछले दिनों वसई के राजीवली वगरालपाड़ा में जो हादसा हुआ उसको लेकर नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक खुलासा हाल ही में सामने आया, जब वसई विरार महानगर पालिका की पूर्व नगर सेविका और शिवसेना नेता किरण चंद्रनकर मैडम ने कुछ खुलासा किया। किरण चंद्रनकर मैडम ने 2017-18 में तत्कालीन आयुक्त को जो पत्र लिखा था उनके बारे में हमारे चैनल पर किरण चंद्रनकर मैडम ने अपना जो बयान दिया, जो इंटरव्यू दिया, वो देखिए आप आगे वीडियो में, और देखिए कि क्या कुछ उन्होंने इस बारे में पूरा खुलासा किया है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। मैडम बताइए, 2017 में आपने नगर सेविका रहते हुए वसई विरार महानगर पालिका आयुक्त को वगरालपाड़ा मामले का कुछ पत्र दिया था, क्या विषय था? एक्चुअली वगरालपाड़ा मामले का पत्र नहीं था, वो पूरे वसई तालुका में जो अनधिकृत चालिया जहां जहां बन रही है उनको बेचने के लिए जो ऑफिसेस खुल रहे उसके बारे में मैंने पत्र दिया था, क्योंकि तब ये जो वार्ड है, मैं यहाँ की तब जब नगर सेविका थी उस टाइम में यहाँ पे दो ऑफिस खुले थे और उस ऑफिस में शनिवार रविवार को जो भीड़ रहती थी, और उसके बाद छह सात महीने में लोग हमारे पास आते थे कि मैडम यहाँ का ऑफिस बंद हुआ, अभी हम कहाँ जाए। तो ऐसी जब घटनाएं घटने लगी तब मैंने ये पत्र तभी के जो आयुक्त थे उनको दिया था कि जो ऐसे ऑफिसेस खुल रहे और वहाँ कम पैसों वाले घर लोगों को दिए जा रहे, उनको बहकाया जा रहा है, उन ऑफिसेस के खिलाफ मैंने लेटर दिया था। मतलब ऑफिसर्स के खिलाफ दिया था, ये चीज आपने बताया भी समझ में आया, लेकिन जो अनधिकृत बांधकाम और जिस तरह से लोगों के साथ फसावट आज सालों से चल रही है, और अभी हाल ही में ये जो मामला वहाँ पर घटित हुआ, दुर्घटना हुई, तो इसको आप जोड़ के किस तरह से देखते हैं? ये सारा उसी से कनेक्टेड है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज ये वगरालपाड़ा, राजीवली होने दो, नायगांव होने दो, पूरे तालुका में जहाँ जहाँ ऐसी खाली जमीने हैं वहाँ पे मुंबई के जो कम निम्न आर्थिक के जो लोग है उनको ऐसे लगता है कि बाबा चलो मुंबई में या मुंबई के नजदीक मेरा अपना खुद का घर हो, इसलिए वो अपनी जो जमा पूंजी है उसमें लगाते हैं, इसके लिए वो ऐसे ऑफिसेस में आते हैं। ये ऑफिसेस में क्या चलता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो ये अपने साइड पे लेके जाते हैं, लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, देखो तुम्हारा खुद का घर होगा, तुम घर के मालिक बनोगे, और ऐसे लोग जो कम जैसे इंडस्ट्री में काम करते हैं, डेली वेजेस में जो काम करते हैं, वो बेचारे ऐसे घर लेने के लिए आते हैं और इसमें फंस जाते हैं, और ये फंसाने वाले जो लोग हैं, ऐसी जो चालिया है वो चालिया बनाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि 13 जुलाई को क्या हादसा हुआ, ऐसा नहीं कि हादसा आगे नहीं हो सकता है, ये आगे भी हो सकता है, इस पे रोक लगनी चाहिए। अभी जैसे ही इस मामले पे जब जैसे मैंने कमिश्नर साहब को खत लिखा, पुलिस कमिश्नर साहब को खत लिखा, क्राइम यूनिट के श्री ननावरे साहब उनको जब खत लिखा, तब ये सारे ऑफिस बंद करके अपने ऑफिस के जो बैनर है वो फाड़ के चले गए, लेकिन जब मामला शांत हो जाएगा ये सारे वापस आने वाले, तो ये वापस ना आए, इन पे कोई कार्रवाई होनी चाहिए, ये बात के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। मैडम, आपके काम को सैल्यूट, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि जिस तरह से जितने जिम्मेदार ये अवैध बिल्डर है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार प्रशासन है, फिर चाहे महसूल हो, चाहे महानगर पालिका हो, चाहे वन कर्मी हो, क्योंकि वहां उनके पैर पसारने के समय वो लोग उनको वहां इस चीज की परमिशन देते हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपकी बात बिल्कुल सही है, कोई भी अनैतिक काम करने वाला या बेकायदेशीर घर बनाने वाला बिल्डर तभी ऐसे काम करते हैं जब उनको प्रशासन से सहायता मिलती है। तो ये जो भी प्रशासन हो, महापालिका प्रशासन हो, महसूल प्रशासन, तहसीलदार प्रशासन हो, या फिर वन विभाग हो, इतनी तादाद में और कोई भी बिल्डिंग या कोई भी चाल एक रातों रात तो खड़ी नहीं रहती, कई दिन से ये काम चल रहा है, तो क्या सबने आंखें बंद करके रखी है? अब सारे प्रशासन का मैं निषेध करती हूँ कि उन्होंने सहायता की, इसीलिए ये सब काम बढ़ा है।
मैडम आखिरी सवाल ये कि जो मामला अभी घटित हुआ उसमें मृत महिला के ऊपर गुनाह दाखिल किया गया, जबकि निग्लिजेंस का गुनाह दाखिल हुआ है मृत महिला के ऊपर, क्या निग्लिजेंस महानगर पालिका के वहाँ के इंजीनियर, वहाँ के अतिक्रमण अधिकारी और सहायक आयुक्त का भी नहीं है? बिल्कुल है, फिर वो जो भी हो उस टाइम सहायक आयुक्त, तो मैं इसी म्यूनिसिपैलिटी की सदस्य हूँ, लेकिन जो गलत है वो गलत है, ये बोलने में मैं जरा भी हिचकिचाऊंगी नहीं। फिर वन विभाग के जो अधिकारी है, जो तहसील के अधिकारी है, जो प्रांत विभाग के अधिकारी है, ये सारे इसमें दोषी है और इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, कार्रवाई तो अपनी जगह, गुनाह दाखिल होना चाहिए कि नहीं? गुनाह भी तो दाखिल होना चाहिए, किसी एक मृत औरत पे गुनाह दाखिल करके सब सबने अपने अपने हाथ ऊपर किए हैं और ये सरासर गलत है। भविष्य में आप कहेगी क्या आप इस और फाड़प्रवाह करना चाहिए? देखो ये सारे ऑफिसर लगातार जो वसी स्टेशन के आसपास है, इसलिए मैंने आवाज उठाया है। अभी इस पूरे मामले में मैं अकेले तो कुछ कर नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं मेरे पक्ष के माध्यम से ये बात ऊपर तक लेके ये पूरा काम करने वाली हूँ। थैंक यू मैडम, धन्यवाद जी। पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।